सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 से 1805 तक हुआ, पेशवा माधवराव जो नारायण ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद बाजीराव दो जो कि बेटा था रघुनाथ राव का वो बना पेशवा, नाना फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने और कुछ टाइम बाद 1800 में ही नाना फडणवीस मर गया। इसके बाद काफ़ी वीक हो गया क्योंकि ये जो आपका बाजीराव टू था एकदम वर्थलेस था, कोई काम का नहीं था। तो 1 अप्रैल 1801 में मराठा ने पेशवा ने यशवंत राव होलकर विथुजी जिसको बोला गया के भाई को मार दिया। यशवंत राव ने भाई का बदला लेने के लिए उसने सिंधिया और बाजीराव टू के कंबाइन आर्मी को डिफीट कर दिया हदसपर नियर पूना, मतलब यहाँ पे लड़ाई हुआ था पूना के आसपास। और उसने विनायक राव के बेटे को अमृत राव जो है उसको पेशवा का सीट दे दिया, खुद नहीं बैठा यशवंत राव, खुद नहीं बैठा उसने, अमित राव को वहाँ का पेशवा बना दिया। बाजीराव टू बैसाइन में चला गया 31 दिसंबर 1802 में और उसने इंग्लैंड के साथ टीटी बना ली, टीटी ऑफ बसाइन। इसमें क्या बोला गया कि कंपनी उसको 6000 की और 26 लाख का इनकम हुआ, कंपनी को सूरत सरेंडर करेगा, चौथ जो निजाम से लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा। पेशवा एक्सेप्ट कर लिया ये चिट्ठी, सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। सिंधिया और भोसले इससे दुखी थे और वो चाहते थे कि मराठा फिर से इंडिपेंडेंट रहे, ये सब्सिडी अलायंस नहीं साइन करे। तो सिंधिया और भोसले ने एक साथ मिलके इंग्लैंड को अटैक किया, पर आर्थर विलेसली ने इन सभी को डिफीट कर दिया, सिंधिया और भोसले को डिफीट कर दिया और उनको सब्सिडी ट्रीटी अलग से साइन करने के लिए बोला गया। यशवंत राव होलकर भी 1804 में फाइनली वो हार गया, मराठा फाइनली डिफीट हो गया और तरह तरह की ट्रीटी, भोसले के साथ देवगा की ट्रीटी, सिंधिया के साथ सुरजी अंजगांव की ट्रीटी, होलकर के साथ राजपुर घाट की ट्रीटी साइन किया गया। बसाइन की ट्रीटी का क्या मतलब था जो भी साइन किया गया था, ये इसे मैसूर हैदराबाद लखनऊ में तो पहले ही कंपनी की ट्रूप रहा करते थे, अब पूना में भी रहने लगे।